आज हम बनाएंगे राजस्थानी मिर्ची वड़ा, जिसे मिर्ची पकौड़ा या मिर्ची भज्जी भी कहते हैं। इन मिर्चियों के अंदर आलू की स्टफिंग होती है और ये खाने में बहुत क्रिस्पी एकदम यमी लगते हैं। आप छोटी भूख और शाम की चाय के लिए इसे जरूर बनाएं, बहुत पसंद आएगी आप सबको। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है मिर्ची वड़ा। तो मिर्ची के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो एक बाउल में हमें 100 ग्राम बेसन लेना है। अब हमें इसमें धीरे धीरे करके पानी डालना है। एक बार में आप बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, धीरे धीरे करके इसमें पानी डालें ताकि इसका घोल तैयार करने में लम्स ना बने। इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि बेसन जो है अच्छे से पानी में घुल जाए। तो देखिए मैंने 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है और 1/2 कप से बस थोड़ा ज़्यादा पानी लगा है और इस तरह का पोरिंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 2 पिंच हम इसमें हींग डालेंगे, हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पकौड़ों के अंदर। साथ ही में हम इसमें नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन डालेंगे, तो अजवाइन को हम थोड़ा सा रब करके डालेंगे, इससे भी पकौड़ों के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही में हम 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसे डाल के हम मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। और ये हमारा मिर्ची के पकौड़े बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार है। इसे अभी हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। और आइए अब हम पकौड़े बनाने के लिए आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे 4 उबले आलू लिए हैं। इनको आप ग्रेट कर ले या फिर आप इसे मैश करके तैयार कर ले। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे, करीब 1 छोटा चम्मच। और इस तेल में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, साथ ही में हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो ये मैंने 2 हरी मिर्च ली है, आप चाहें तो मिर्च के बीज निकाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक का पेस्ट, ये मैंने 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही में डालेंगे 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ये मैश किए हुए आलू डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में हम इसमें 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। और अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरा धनिया डाल देंगे और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मिर्ची के पकौड़े बनाने के लिए ये हमारा स्टफिंग तैयार है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और आइए अब हम मिर्चियों को काट के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लंबी वाली हरी मिर्च ली है जिसके हम पकौड़े बनाते हैं, तो इसको अभी हमें लंबाई में काटना है। तो इस तरह से हमें बीच में चीरा लगाना है, बिल्कुल नीचे तक चीरा नहीं लगाना है आपको, नीचे छोड़ पे हमें चाकू नहीं लगाना है और इसे छोड़ देना है। तो देखिए वैसे तो ये मिर्च तीखी नहीं होती है, पर इसके अंदर से हम थोड़े से बीज निकाल लेंगे ताकि हम स्टफिंग भर सके। और बहुत ज़्यादा इसमें बीज भी नहीं होते, देखिए इस तरह से हम निकाल के सारी मिर्चें तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से चम्मच उल्टी करके और ये सारे बीज बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं। तो देखिए सारे बीज के अंदर से हमने बीज निकाल लिए हैं। अब हम इसके अंदर आलू की स्टफिंग भर लेंगे। तो सारी मिर्चों के अंदर हम अब स्टफिंग भरेंगे। तो एक चम्मच में इस तरह से स्टफिंग ले लें और फिर हम इसके अंदर इसे डालेंगे। तो चम्मच से दबाते हुए हमें इसमें भरते जाना है, जितना इसमें आ सके हमें इसमें भर लेना है। और देखिए जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम इस तरह से हटा लेंगे। तो सारी मिर्चियों के अंदर इसी तरह से हमें स्टफिंग भर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हमें सारी मिर्चियों को स्टफ करके तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने सारी मिर्चियों को स्टफ करके तैयार कर लिया है। अब आइए हम इनसे पकौड़े बनाते हैं। तो पकौड़े बनाने के लिए ये जो हमने बेसन का घोल तैयार किया है, अब हम इसमें 1/2 चुटकी करीब बेकिंग सोडा डाल देंगे, इससे पकौड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और इसे आपको बिल्कुल लास्ट में डालना है जब आपको पकौड़े तलने हो।
तो हमें सारी मिर्चियों को इस बेसन के घोल में डुबोना है इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने डिप कर लिया है और इस तरह से जो एक्स्ट्रा बेसन का घोल है वो हम निकलने देंगे। और देखिए इधर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर रखा है पहले से और मैंने चेक कर लिया कि ये गरम हुआ है कि नहीं। तो इसके अंदर हम ये मिर्ची के पकौड़े डाल के और तलते जाएंगे। तो एक बार में हमें ज़्यादा नहीं डालना, बस दो या तीन ही डालेंगे। इसे हम एक मिनट के लिए ऐसे ही सेक लेंगे पहले एक तरफ से और फिर हम पलट के दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। तो देखिए मिर्चियों को मैंने दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई कर लिया है और ये देखिए सुनहरा हो गया है और एकदम क्रिस्पी हो गए हैं ये। अब हम इसे छान के बाहर निकाल लेंगे। तो 3 से 4 मिनट में ये आराम से तल जाती है। आपको फ्लेम को मीडियम लो पे रख के इसको तल लेना है। इसका एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकाल लेंगे और इसे हम किसी किचन टावल के ऊपर इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से हम सारे पकौड़े तल के तैयार कर लेंगे। देखिए ये पकौड़े भी हमारे तैयार हैं, इसे भी हम अब बाहर निकाल लेंगे। तो गर्मा गर्म मिर्ची के पकौड़े तैयार है, आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मिर्ची के पकौड़े बनके तैयार है, आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं, बिल्कुल लाजवाब लगेगी। इसे ग्रीन चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें और सबको खिलाएं। ये एक परफेक्ट इवनिंग स्नैक्स है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।